ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंडर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, इंडिया में न्यू सिम कंपनी लॉन्च हो चुका है वीआई, जो आइडिया और वोडाफोन मिलकर एक सिम लॉन्च करने जा रहा है, जिस सिम का नाम होगा वीआई। यदि आप वोडाफोन की वेबसाइट भी ओपन करते हैं तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा myvi.in पे, या फिर आइडिया की भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो डायरेक्ट वहाँ से भी आपको रीडायरेक्ट कर देगा myvi.in पे। यानी कि दोनों कंपनी मिलकर फिर से एक सिम लॉन्च कर दिया है वी आई, जो बहुत ही जल्द आप लोग मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे कि वी आई सिम जो लॉन्च हो जाएंगे तो जो आइडिया का पुराना सिम या फिर वोडा का पुराना सिम है तो उसको क्या करना होगा, उसे पोर्ट करना पड़ेगा या फिर MNP करना पड़ेगा, या फिर वी आई सर्विस सेंटर जाने के बाद वहाँ से हमें पुराने सिम को एक्सचेंज कर न्यू सिम परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल हैं, तो आज हम आपको इसी के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 2 साल पहले आइडिया और वोडाफोन के ऑडियंस तो था 40 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब जो है 28 करोड़ के आसपास आ चुका है। यानी कि कस्टमर बेस जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। इसी को देखते हुए आइडिया और वोडा मिलकर एक सिम और लॉन्च करने जा रहा है VI, जो आइडिया और वोडा का जो पहले जो था वो बंद हो जाएंगे। यानी कि यदि आपके पास आइडिया का सिम है फिर वोडा का सिम है तो वही सिम आपको काम करेगा, सिम एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिम जैसे ही लॉन्च होगा, आप लोग जब मोबाइल ओपन करते हैं या फिर नेटवर्क वहाँ पे जो वोडाफोन या फिर आइडिया लिखा हुआ होता है वहाँ पे आपको VI देखने को मिल जाएंगे। और पहले जो आप एप्लीकेशन यूज करते थे myvodafone.in या फिर myidea.in, तो यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, या फिर प्ले स्टोर से रिमूव कर देगा या फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा इस वेबसाइट को। myvi.in एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। यानी कि आप पूरा ओल्ड सिम ही यूज कर सकते हैं। और प्लान की बात किया जाए तो फिलहाल में प्लान आपको वही रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि VI सिम का प्लान जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, कुछ टाइम पहले वोडा और आइडिया दोनों कंपनी को गवर्नमेंट को 58 करोड़ रुपये देने थे, जिसमें उसे 2 से 3 महीने के टाइम दिया गया था। लेकिन वहीं पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे 10 साल का टाइम दे दिया गया है, तो यहाँ पे 8 करोड़ रुपया पे कर दिया है और 50 करोड़ के आसपास जो पे करना है वो आपको 10 साल में पे करना है। तो इसी के देखते हुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल चुका है, इसीलिए आइडिया और वोडा दोनों मिलकर यहाँ पे न्यू कंपनी लॉन्च किया है, यानी न्यू सिम लॉन्च कर रहा है। और इस जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा आइडिया और वोडाफोन में नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और यहाँ पे यदि इंटरनेट भी यूज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करता है, यानी कि काम करता है। तो इसी को देखते हुए आप न्यू सिम लॉन्च कर रहा है और बेहतरीन सुविधा देने की कोशिश किया जाएगा। यदि VI सिम को लेकर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को आंसर देने का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंडर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।